अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा खान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आयशा। आज आयशा ने बनाई है समर स्पेशल वेज थाली, जिसे बनाना बहुत आसान है। देखकर ही आपकी भूख बढ़ गई होगी और बहुत टेस्टी डिशेस है और बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये वेज थाली ज़रूर बनाएं। इस वेज थाली में मैंने दो सब्जी बनाई हैं, दाल चावल बनाए हैं, मैंगो जूस है, राइस है, पापड़ है और ये छाछ है। सबसे पहले हम दाल चावल बनाएंगे। चावल बनाने के लिए मैंने इस कुकर में पानी लिया है, नमक डालेंगे और तेजपान डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे और लेमन जूस डालेंगे। जितने चावल लिए हैं चावल को एक बर्तन से हम पहले नाप लेंगे। जितने चावल है उससे डबल हमें पानी लेना है। चावल को थोड़ी देर पहले धोकर रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम 3 सीटी ले लेंगे। दूसरे कुकर में दाल बना रहे हैं। दाल गल जाए इतना पानी लेंगे। पानी में नमक, हल्दी, घी डाल देंगे। घी डालने से दाल जल्दी गल जाती है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। दाल में जब तड़का लगाएंगे तब भी जीरा लेना है और अभी भी हम थोड़ा सा जीरा लेंगे। और अब दाल डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी ले लेंगे। 3 सीटी में दाल अच्छे से गल जाएगी। चावल देख रहे हैं, 3 सीटी लेने के बाद चावल माशाल्लाह अच्छे से पक चुके हैं और दाल को भी 3 सीटी ली, दाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गई है। दाल को अच्छे से घोट लेंगे और इस दाल में हम गरम पानी डालेंगे। एक साथ काफ़ी सारा पानी ना लें। देखिए पानी डालने के बाद अब हम इस दाल को बॉईल कर लेंगे। दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। नमकीन दाल बना रहे हैं तो अगर घी का तड़का लगाएंगे तो दाल ज़्यादा टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा घी लिया है, इसमें लहसुन फ्राई कर लेंगे। देसी घी ले दाल ज़्यादा अच्छी बनेगी। जीरा लिया है मैंने। नमकीन दाल में जीरे का तड़का बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी प्याज ली है, प्याज ऑप्शनली है। और इसमें हम साबुत लाल मिर्ची डाल रहे हैं। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे। दाल को पहले उस बर्तन में निकाल लेंगे जिस बर्तन से हमें दाल को सर्व करना है। देखिए माशाल्लाह हमारी दाल का लुक। इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। दाल कंप्लीट हो चुकी है। दाल चावल बन रहे थे, इस बीच मैंने सब्जी कट कर ली थी। ये मैंने बंद गोभी ली है, इसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, कैबेज। एक समान इसे कट करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम नमक के पानी में रखेंगे। जब भी आप वेज थाली बनाएं, एक से ज़्यादा डिशेस बनती है, तो पहले कौन सी चीज़ बनाना है, बाद में कौन सी डिश बनाना है, ये तय कर ले। काम करने का एक तरीका होता है, जैसे हमने पहले दाल चावल बना लिया, अब सब्जी बना रहे हैं तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैंने आलू लिए हैं और ये हरी मिर्ची ली। हम आलू और पत्ता गोभी मिक्स बनाएंगे हरी मिर्ची से। अब इस पत्ता गोभी को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। काफ़ी सारे लोग पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं, आप इस तरीके से बनाएं, ये पत्ता गोभी बहुत टेस्टी बनेगी। ऑयल गरम करने के बाद मैंने राई फ्राई की है और राई फ्राई हो गई है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू के बहुत बड़े पीस या बहुत छोटे पीस नहीं करना है। हरी मिर्ची डाल देंगे। ये आलू पत्ता गोभी की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत कम मसालों के साथ हम इसे बनाएंगे। इस आलू में हम नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी हमने पत्ता गोभी में भी डाली थी जब पत्ता गोभी को वॉश किया था। नमक हल्दी डालने के बाद हम इसे आधा मिनट एक मिनट पका लेंगे। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम सब्जी में खूब सारा तेल मसाला डालेंगे तो सब्जी अच्छी बनेगी। ज़रूरी नहीं है ये। हर सब्जी में ज़्यादा मसाले डालें और सब्जी अच्छी बने, ये पॉसिबल नहीं है। ये पत्ता गोभी हम बहुत कम मसालों के साथ बना रहे हैं और बहुत टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे।
हमने इस सब्जी में लहसुन अदरक प्याज गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो समर में ट्राई करना बनता है ना। ये पत्ता गोभी को हमें खूब अच्छे से फ्राई करना है। पत्ता गोभी देखो कितनी ये पूरी कढ़ाई हमारी फूल नज़र आ रही है। हम इसे इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये सब्जी आधी रह जाए। धीमी आंच पर हम इसे पकने देंगे। 10 से 15 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है, जब तक कि सब्जी आधी नहीं हो जाती है। देखिए माशाल्लाह 10 से 15 मिनट के बाद हमारी सब्जी का लुक। इसमें हम कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, कड़ी पत्ता पहले भी हम मिक्स कर सकते हैं। पत्ता गोभी जब भी आप बनाएं, इसे जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे पत्ता गोभी उतनी टेस्टी बनेगी, और बहुत कम मसालों के साथ बनाएं बहुत अच्छी बनती है। मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ये पत्ता गोभी हमारी कंप्लीट हो गई है, इसमें हरा धनिया डालेंगे। धनिया जब भी डालें उसे कट करने से पहले अच्छे से वॉश कर लें। ये सब्जी बनाने के बाद अब हम चना मसाला बनाएंगे। जब भी आप चना मसाला बना रहे हो, सबसे पहले हमें चने को 2 घंटे पहले भिगाना है। मैंने सबसे पहले चने भिगा दिए थे, अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। इतना पानी ले कि चने आसानी से गल जाए और बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना रहे। नमक और हल्दी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम 3 सीटी ले लेंगे। चने पहले से हम भिगा चुके हैं तो ये जल्दी ही गल जाएंगे, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। 3 सीटी लेने के बाद हम चने देख रहे हैं, एकदम गरम गरम चने को हाथ न लगाएं, थोड़ा सा ठंडा करें। देखो माशाल्लाह हमारे चने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल हम ले सकते हैं। इसमें तेजपत्ता, हरी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्ची फ्राई करेंगे। साबुत मसाले अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट फ्राई करेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, उसका पेस्ट बना लिया है। इसे हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसकी स्वीटनेस ख़त्म हो जाए। लगभग 1 मिनट में हमारा ये काम हो जाएगा। प्याज के फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक लगभग मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच लिया है। इसे हमें इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। चने बॉईल करने में जो पानी रह गया था वो पानी मैंने इसमें डाला है, और अब हम इसमें धनिया पाउडर और मिर्ची ले रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची लेना है। थोड़ा सा नमक भी लेंगे, नमक हमने चने बॉईल करते वक्त भी लिया था। अब इस मसाले में हम टमाटर डाल रहे हैं, मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इसे फाइन चॉप किया है। टमाटर को इतनी देर फ्राई करना है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम बॉईल चने डाल देंगे। चने को हम 2-3 मिनट तक इस मसाले के साथ में खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। चने को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसमें हम पुदीना पाउडर मिक्स कर रहे हैं, हरा पुदीना भी ले सकते हैं। गर्मियों में हमें हमारे खाने में पुदीना ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये मैंने ऐड किया है इसमें चना मसाला। चना मसाला डालने के बाद हम इसमें पानी डाल रहे हैं, वही पानी लिया है जो चने बॉईल करते वक्त बचा था। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी हम और ले लेंगे। आप चाहें तो चना मसाला में अमचूर पाउडर, आंवला पाउडर, इमली भी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसके साथ में छाछ रख रही हूँ और रस बना रही हूँ। बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। ये हमारा चना मसाला कंप्लीट है। चना मसाला बनाने के बाद अब हम आम का रस बनाएंगे। तो मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लेंगे और आम को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस कटे हुए आम को हम मिक्सर के जार में डालेंगे और थोड़ा सा दही डाल देंगे। दूध की जगह पर दही डाल के आप रस बनाएं, रस बहुत टेस्टी बनेगा। अभी हमने इसमें शक्कर नहीं ली है, अब शक्कर डालेंगे हम इसमें।
इलायची डालेंगे और इसको अच्छे से फेटेंगे ताकि शक्कर इसमें अच्छे से घुल जाए। अगर हम मिक्सर में शक्कर डाल के फेटेंगे तो ये रस हमारा पतला हो जाएगा। बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। ये जो दही था, इस दही में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। शक्कर डालेंगे, नमक डालेंगे, काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों लिया है, और इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। जीरे को सेक कर उसका पाउडर बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी हमारी छाछ कंप्लीट हो गई है। ये मैंने आटा भी गूंध लिया है। अब रोटी बना लेंगे। गरम तवे पर हमें रोटी को डालना है। एक तरफ हल्का सा सेकने के बाद टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा सेकेंगे। गर्मियों का मौसम है तो पराठे पूरी बनाने के बजाय रोटी बनाना ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से हम सारी रोटी बना लेंगे। रोटी पर घी लगाएंगे, गरम गरम रोटी पर। घी लगा के रखने से रोटी लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहेगी। और इस रोटी को हम रोटी के बैग में रखेंगे। और अब हम पापड़ फ्राई कर लेंगे। अगर पापड़ बड़े हैं तो पापड़ के पीस कर ले, फ्राई करने में आसानी रहेगी, सर्व करने में भी आसानी रहेगी। ये मैंने पापड़ भी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम खाना सर्व करेंगे। दाल चावल रख दिए हैं, चना मसाला भी रख दिया है, आलू और पत्ता गोभी की सब्जी, और ये ठंडा ठंडा मैंगो जूस, पापड़, प्याज और टमाटर रखेंगे, नींबू रखेंगे। वे इस थाली के साथ में पकोड़े रखे जाते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो हम सेव सर्व कर रहे हैं, रोटी रख रहे हैं। रतलाम की सेव पूरी दुनिया में फेमस है। समर स्पेशल वेज थाली है तो समर में हमें हमारे खाने में छाछ को जरूर शामिल करना है, तो हम ये छाछ भी सर्व करेंगे। मेरी ये समर स्पेशल वेज थाली आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।